सच में गाड़ी 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 मैं पीछे पलटा और मैंने कह दिया कि भाई अगर तुम्हारी चोरी करने की प्रैक्टिस पूरी हो गई हो तो अपना हाथ मेरी जेब से निकाल लो। अरे अरे आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? शॉपिंग सेंटर तो आगे है ना? हाँ, शॉपिंग सेंटर तो थोड़ा आगे है, पर मैंने सोचा शॉपिंग से पहले क्यों ना एक कप कॉफी हो जाए और एक चॉकलेट पेस्ट्री, क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने में प्रॉब्लम है? हाँ, शॉपिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉफी पीने में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम होगी? तो फिर क्या? एक्चुअली मैं और तुलिका लास्ट टाइम जब शॉपिंग सेंटर आए थे ना, तो हमने बहुत ही टेस्टी चाट और गोलगप्पे खाए थे, और मैं सोच रही थी कि हम भी, लेकिन अगर हम अभी कॉफी पी लेंगे तो पेट भरा भरा सा हो जाएगा ना। आई थिंक यू आर राइट यार, कॉफी के सामने चाट तो कमाल ही है। बड़े दिन हो गए मुझे, मैंने भी चाट नहीं खाई, पर सोचकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ठीक है, कॉफी कैंसिल और चाट में हमला बोलते हैं, चलो। क्या अभिमन्यु के साथ? तुलिका ने गौरी को अभिमन्यु के साथ अकेले भेज दिया? भेज दिया मतलब क्या? गौरी छोटी बच्ची है जो अभिमन्यु उसे उठा के लेके जाएगा? अबे सीता माता भी छोटी बच्ची नहीं थी, लेकिन रावण उठा के ले गया था ना उन्हें। बेटा तू एक काम कर, पानी पी ले। तो यू मीन टू से कि अभिमन्यु 10 सर वाला डरावना रावण? अभी रावण का नहीं पता, लेकिन डरावना जरूर है। तू ना पागल है, तू एक काम कर, तू बाथरूम में जा, ठंडे पानी के नीचे खड़े हो जा और अपना दिमाग चला। लगता है तू सही कह रहा है यार। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। गौरी की लाइफ है, वो जैसे जीना चाहे वैसे ही जिएगी ना। अरे ये कैसे हुआ, शिव जी मेरी बात मान गए? ओए अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, तू ये बता तू कर क्या रहा है? मैं मुझे पता है, अभी कुछ नहीं कर रहा हुआ। सुन एक काम कर, वो मेरे पास सिर्फ एक ही जींस है ना यार, वो भी खराब हो रही है, मेरे को 2-3 जींसें खरीदनी, तू मेरे साथ मार्केट चल। ओके। और सुन एक काम करना, तुलिका को फोन करना और बोलना, तुलिका को ही क्यों, कमला भाभी को भी, हम सब साथ में मार्केट में चल के शॉपिंग करेंगे। वाह बेटा ये सही बात है, तुझे भी उसी शॉप में जाना होगा ना जिधर गौरी अभिमन्यु के साथ गई होगी। ओए ज्यादा व्योमकेश बख्शी बनने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जा रहा है उतना ही कर। चुपचाप तुलिका को फोन कर और उसको बोल हम उसे आधे घंटे में पिक करें, और तेरे को मैं 15 मिनट में आके पिक करता हूँ, तू जल्दी से रेडी हो जा, समझा? चल ओके बाय। हद हो गई यार, कितनी बकवास करता हूँ मैं। तू तो ना मुझे फिल्म दिखाना ही नहीं चाहती, सुबह से ना बस बहाने बना रही है। भाभी मैंने कब कौन सा बहाना बनाया, मैंने तो टिकट्स भी बुक कर लिए थे। रहने दे रहने दे, ये कंप्यूटर पे ना गिट्टी पिटी करने से टिकट नहीं मिलती। टिकट के लिए तो लाइन में लगना पड़ता है, पैसे निकालने पड़ते हैं, तू ना बस बहाने बना रही है। झूठ कहे तुको, तू तो मुझे घर की बिल्ली बनाकर रखना चाहती है। घर की बिल्ली? व्हाट, ये क्या होती है? घर की बिल्ली जो ना कभी बाहर नहीं निकलती मेरे तरह। सर ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब तुम ही संभालो इन्हें। झूठ कहे तुको, अरे इस बेचारे सल्त पे क्यों इल्जाम लगा रही है, इसने क्या किया? इसने तो बस तेरे से ऐसे ही पूछा था बाहर जाना है, तूने यहाँ की ना। शिव यार मदद करना प्लीज, संभाल लेना तू। कमला भाभी आज कितना सुहाना मौसम है। नहीं है आज मूवी देखने का मौसम थोड़ी है कमला भाभी। है पर देखो ना, शिव है, शिव लेकर देगा आपको अच्छी सी गिफ्ट, अच्छे से कपड़े, है ना? सच्ची शिव? हाँ। आय हाय शिव, एक तुम ही तो हो जिसे ना मेरी सच्ची कदर है। उठा ले। भाभी शॉपिंग वॉपिंग तो होती रहेगी, पहले मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते। नहीं तुलिका, शिव मुझे कुछ खरीदाने वाला है। अरे बाद में खरीद लेना, चलो चलो। चल ठीक है, हम भी कुछ। ऐसे क्या देख रहे हैं? खा रही हूँ, मेरे पेट में दर्द होगा। अरे मैं बस इतना देख रहा हूँ कि यार इतनी तीखी होने के बावजूद कितना एंजॉय करके खा रही हूँ तुम। अरे भैया जी पानी पूरी का मजा तो है ही तीखा में। हाँ वो तो है, पर जो पेट को मजा मिलेगा तीखा तीखा खाकर उसका क्या? अरे तो क्या, उसके लिए तो आप है ही ना। देखिए अभी आप पानी पूरी खिला रहे हैं, इसके बाद एकदम ठंडा ठंडा कुल्फी खिला दीजिए इनको, क्यों? हाँ भैया आप जानते हैं हमारे मिर्जापुर में क्या होता है, ऐसी ना गोलगप्पे वाले ठेले के साथ एक कुल्फी वाला ठेला होता है, पहले तीखे तीखे गोलगप्पे और उसके बाद ठंडी ठंडी कुल्फी, मजा ही आ जाता है। अरे यार हिल छपरा हिल। भैया अभी दो बाकी है ना, जल्दी जल्दी खिलाइए। हाँ लीजिए, लाओ भाई दो।
माय गॉड, आप नेस्ले इंडिया के विनर हैं, है ना? हम दोनों आपके बहुत बड़े फैंस हैं। प्लीज आप हमारे साथ एक पे खिंचवाओगे? प्लीज वन प्लीज। हाँ हाँ जरूर भैया। एक सेकंड, एक शर्त है, फोटोग्राफ जो है वो पानी पूरी खाते हुए खींचेंगे, ठीक है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए, लो करी लो। एक सेकंड, हाँ रेडी, 1 2 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे गौरी, तुम्हें जितनी पानी पूरी खानी है ना वो खा लो, कल जब तुम और बड़ी स्टार हो जाओगी, बहुत फेमस हो जाओगी ना, तो तुम्हारे फैंस तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे, तुम्हारे आगे पीछे भागेंगे, फोटोग्राफ खिंचाएंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, इसलिए जितना खाना है आज खा लो। ले चले खा, नहीं खाएगा रहने दे। ओए, चल क्या रहा है? चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा। तू उन दोनों को बेवकूफ बना सकता है, कमला भाभी को बेवकूफ बना सकता है, तुलिका ऑलरेडी जो भी है, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। तो सीधा सीधा अभिमन्यु को कॉल क्यों नहीं करता? देख पूरा मार्केट घूम लिए, नहीं मिले तो शायद कहीं चले गए होंगे। नहीं नहीं गए, अभिमन्यु की कार यहीं पर है यार। तुझे अभिमन्यु की कार का नंबर पता है? अभिमन्यु की? ओए हेलो, तुझे पता नहीं है चाणक्य जी ने क्या कहा था? चाणक्य जी ने कहा कि अपने दोस्तों को अपने पास रखो ना रखो, लेकिन अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों से ज्यादा पास रखो। तो चाणक्य जी ने भूखे मनुष्य के बारे में क्या कहा है? यार बताना प्लीज, सुबह से कमला भाभी मेरा सर खा रही है, मूवी मिस करा दी, पूरा भेजा फ्राई खाने के बाद भी उनको भूख लग रही है। तू एक काम करना, तू जाके खिला दे उन्हें। तू सीधा सीधा अभिमन्यु को कॉल क्यों नहीं करता, पूछ लेना उनसे यार। नहीं यार, ऐसी टकराना है, तुम लोग यहाँ कैसे? हम लोग भी यहाँ, अच्छे हो, गुड, हम भी शॉपिंग, ऐसे यार। देख तुझे जो करना है कर, पहले उन दोनों को कुछ जाके खिला, कब से भटक रहे हैं। चल चलते। क्या हुआ? ये लो, धीरे धीरे, बहुत तीखा है तो तुम्हारे लिए वो तीखी तीखी पूरी पे तीखी तीखी चटनी एक्स्ट्रा डाल के लाओ। झूठ कहे तो कहो भाई साहब, आप ना छोले मत डालो। हाँ आप तो ना मिर्जापुरी स्टाइल वाला ना, वो आलू और मूंग डालो बस। और सुनो, जरा सा ना तीखा तीखा चटपटा बनाना। हाँ, और मुझे वो रगड़े वाला क्या होता है, हाँ जो भी, मीठा और तीखा। जानती तुलिका, हमारे मिर्जापुर में ना गोलगप्पे वाले के बगल में ना कुल्फी वाला हुआ करता था। पहले एकदम तीखा तीखा गोलगप्पा खाओ और फिर ठंडा ठंडा कुल्फी। लो कर लो बात, आप भी मिर्जापुर से हैं? आप भी हैं मतलब? अरे नहीं नहीं, वो कहा है कि अब भाई एक भाई साहब आके गए, उनके साथ एक बहन जी भी आई थी, वो भी मिर्जापुर से ही थी। जाने जहां ढूंढता फिर रहा, मार्केट में मैं यहां से वहां से यहां। एक काम कर, तू वहां जा, तुलिका के साथ पानी पूरी खाने का कंपटीशन कर, मुझे क्यों इरिटेट कर रहा है? मुझे एक आइडिया दे दूं, जंगल में जो शेर देखने ले जाते हैं ना, वो लोग शेर के पंजे मिट्टी में चेक करके उनको पता चल जाता है कि शेर कहाँ है। ऐसा होता है? हाँ। तो इसमें आइडिया क्या है? अरे तू भी ना यार, तुझे कुछ भी बोलो तो इंटरेस्ट नहीं सुनता। तो टाइम पास करने के लिए मैं ही मिलता हूँ, चल वहां पर। अरे शिव, तुम? अभिमन्यु, गौरी, तुम दोनों यहाँ शॉपिंग? हाँ हम दोनों भी शॉपिंग, हम सब लोग शॉपिंग के लिए। झूठ कहे तो कहो, सबके नाम देने का खेल 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 रहे हो। एक मिनट ना, हमें ये खत्म करने दो, फिर 2 मिनट के बाद हम भी खेलते हैं। कमला भाभी, तुलिका, लेकिन तुलिका तू तो भाभी को मूवी दिखाने लेके जाने वाली थी ना? हाँ वो गौरी, अभी तुम झूठ कहे तो कहो गौरी, आज हमारे पूरे प्लान पे ना पानी फिर गया, ना हमने फिल्म देखी और ना ये शिव ने ना हमें नए कपड़े खरीद के दिए, किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। अरे भाभी, दिला दूंगा ना, शॉपिंग करा दूंगा, मैं तो हूँ इसीलिए तो आया हूँ। जिसे ढूंढा गली गली, वो चाट वाले की दुकान पर मिली। देखो पहले से पता होता तो चाट वाले के पास पहले ही आ जाते ना। चलो अब सब यही मिल गए हैं तो साथ में ही चलते हैं। झूठ कहे तो कहो गौरी, आज ना हमें मिर्जापुर की याद आ गई। तुझे याद है पानी पूरी के साथ साथ वो कुल्फी वाला? हाँ भाभी, वो नारायण काका 10 रुपए की कितनी बड़ी कुल्फी देते थे ना। हाँ हाँ हमें पता है, तीखी तीखी पानी पूरी और ठंडी ठंडी कुल्फी। मिर्जापुर में पानी पूरी नहीं, गोलगप्पे कहते हैं। एक काम करते हैं,
यहाँ पास में ना एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप मुझे पता है, वहाँ चलते हैं और वहाँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं अच्छी वाली, और केक भी खा लेंगे जो तुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गौरी। हाँ अब सब चलते हैं, चले मेरे को वैसे भी मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, चले चलो 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 चलो। अरे भाभी वो दे दो। अबे छोड़।